हाय फ्रेंड, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो अपना डिवीजन तो चेक कर चुके हैं कि फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन, लेकिन अपना फुल मार्क्स नहीं देख पा रहे, अपना मार्कशीट नहीं देख पा रहे कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है। तो इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे अपना मैट्रिक का रिजल्ट डायरेक्ट लिंक से अपना खोल कर पूरा मार्क्स के साथ अपना देख सकते हैं। तो वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमें स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को आप ओपन कीजिए तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपना जैसे ही रोल नंबर रोल कोड अपने यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अपना रोल नंबर रोल कोड डाल दिया है और रोल नंबर रोल कोड डालने के बाद यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर कुछ देखिए यहाँ पर चलने लगा, लेकिन यहाँ पर नेट स्लो होने की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट अभी मेरा स्लो है, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नेट यहाँ पर स्लो है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से अभी सर्वर डाउन लग रहा है। तो जैसे ही आपका सर्वर ठीक होगा आप यहाँ से अपना फुल रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार सर्च के ऑप्शन पर अपना रोल नंबर रोल कोड इंटर करके और यहाँ पर डालते रहें। जैसे ही आपका सर्वर सही होगा, आपका नेट सही होगा, तो आपको अपना फुल मार्क्स देखने को मिल जाएगा। तो और एक और जरूरी सूचना बता देते हैं कि अगर आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस चैनल पे कंपटीशन की बेस्ट तैयारी चलाई जाती है। तो आपको यहाँ से आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में यहाँ से आ जाना है। प्लेलिस्ट में यहाँ से आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी अपडेट्स, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के बारे में भी तैयारी कराई जाती है और डेली बाई डेली यहाँ करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। और दूसरा में यहाँ पर फिजिक्स का देख सकते हैं आप चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव क्लास का, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि फिजिक्स के दो चैप्टर यांत्रिकी और उसमें दो चैप्टर के यहाँ पर क्लास हो चुकी है। जो भी चैप्टर के कॉम्पिटिशन में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं वहाँ पर इनका क्लास हो चुका है। तीसरा चैप्टर हम साउंड का लाने वाले हैं और यहाँ पर रीजनिंग का भी क्लास किया जाएगा। तो अगर आप कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ना है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।